वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं स्कूल में, तो आज रजत का शूट है और आज हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं, क्योंकि मैं आज मेरे को कुछ नहीं करना, ना शूट के डायरेक्शन, ना कुछ, बस मुझे अपनी एक्टिंग से मतलब है और लाइफ एंजॉय करना। और आज मैं बढ़िया व्लॉगिंग करूंगी। और किससे व्लॉगिंग करेंगी आप? आज मैं व्लॉगिंग करूंगी अपने 13 प्रो मैक्स 1 टीवी से, जो कि मुझे गिफ्ट गोल्ड कलर, और जो कि मुझे गिफ्ट किया है रचित ने। मेरे को भी कुछ नहीं करना, सब आप कर रहे हो। देखो कर रही है, साथ ही मजा आ रहा है भाई। अभी ये शूट की तैयारी कर रहे हैं, इतने मैं और स्वाति झूल रहे हैं, और इधर ये ऐश्वर्या और ये इधर चेतना झूल रहे हैं। आ रहा है मजा? यस, बहुत यार। मेरा भी झूलते हुए इस स्वाति कैसी लग रही है? बिल्कुल बालक सी। स्कूल का शूट यार, स्वाति पूरा मजा रख के बैठ गई। खड़ी हो, मजा आता है ऊपर वाले। अरे यार स्वाति का छू थोड़ा सा, मुझे बस इस स्कर्ट की चिंता है। तो गाइस, अरे मुझे क्या हो रही है, गर्ल्स पार्टी राइटर है ना, बहुत मजा आ रहा है। स्कूल की यादें ताजा हो रही है। कौन कौन इस लॉकडाउन में अपने स्कूल मिस कर रहा है, कमेंट करके बता दो। सभी कर रहे होंगे, जो पास आउट हो चुके वो भी, और जो नहीं हुए वो भी। लेकिन भाई हमारी लाइफ तो बहुत मस्त है, हम तो स्कूल की फीलिंग ले लेते हैं यूनिफॉर्म पहन के, और मम्मी बस पढ़ाई नहीं करते। ये साथ भी लग रही है पैरों में। तो गाइस देखो, यहाँ पे एक प्रेमी अपने प्रेमिका को झुलाते हुए। शूट करना है सिब्बू। तुम भी व्लॉगिंग कर रहे हो? मैं भी व्लॉगिंग कर रही हूँ। हाँ भाई, क्या सीन है ये? चल आजा ऊपर, एक सीन ले लेते, आजा चलो। स्वाति ने झूला हड़प लिया है, वैसे मैं ये लेने वाली थी यहाँ पे, लगता है तभी तो उतर गया। अभी देखो बैठोगे ना तब पता लगेगा। अरे इससे बढ़िया उल्टा भाई, चले शूट करें। सेम ही है दोनों साइड से, बीच से गंदा है। जा जा गोपाल, झुला दे स्वाति को, जा जल्दी जा। स्वाति को झूल रही है। ला 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 स्लो कर दो, स्लो में स्लो में। मैडम पढ़ा वड़ा दो, क्या करो? क्या कर रही हो ये मैडम? ये देखो, ये हमारी मैडम जो है, ये स्टूडेंट को लेके ना पढ़ाती है और बच्चे बिगाड़ती है बस। मेरी उम्र की ये सिर्फ बच्चे बिगाड़ती है यहाँ पे। उठा मेरे को। ओ भाई कितनी भारी है शुरिया। कभी गिर जाए स्वाति। स्वाति बहुत अच्छी जंप थी, अब तुम व्लॉग बनाओ, मैं झूलूंगी, मेरा पर उस तरफ से बनाना। तो गाइस स्वाति झूल चुकी है, अब मेरी बारी है, तभी मैं मास्क रख लेती हूँ, अब मैं झूलूंगी। यार मुझे है कोई झुलाने वाला? खुद ही झूलना पड़ेगा। गिरूंगी तो नहीं मैं? नहीं, स्ट्रांग है ना, क्योंकि मेरा वजन बढ़ गया है। इससे स्ट्रांग तो क्या ही होगा। उतर गई यार, मैं झूल नहीं पाई। यार एक बच चुका है, फिर तेरे को सबसे जल्दी होगी जाने की, घर जाना है। हाँ बच्चे पक जाए, छोटे छोटे भोबे सकते इनके साथ मिलके ना, एक बार डेकोरेशन करवा ले, मैं एक सीन ले कर रहा हूँ। और शोर मत करा, और तू बोली ना तेरा फेंक दूंगा ठाका बाहर। देखो गाइस बाद में, गाइस देखो कितना बिजी रहते हैं लोग अपने शूट पे। मेरे को काम बता दिया, एक बार करवा दे डेकोरेशन सब। ठीक है, मेरे को बता देना क्या करना है, मैं कर दूं। जैसे ये चिपका दिया, अरे जैसे इंडिपेंडेंस डे पे करवाई थी ना, थोड़ा सही सा बना के चिपका रखा था दीवार पे, इस पे पोडियम पे, ठीक था। यहां पे लकी, ठीक है जिस पे ये हो, मतलब ये है तो ये दे दे, नहीं है तो ये है। फिर
यार मैं इस तरफ से मतलब इस तरफ मेरे को मोटा पिंपल हो रहा है। नहीं इधर इधर छोटा पिंपल है। तो गाइस हम जब सुबह से आए हैं लेकिन अभी तक शूट स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक रचित और बाकी सब मिलके शूट की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। तो ये देखो गर्ल्स की बकवास दिखाती हूँ मैं आपको। अरे छोटा स्कूल है क्या किंडरगार्टन? हाँ, अरे छोटा नहीं लिखा तो मैडम दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल। क्या बच्चों को लेके क्या बकवास कर रहे हो? कुछ काम कर लो। स्कूल की बुराइयां कर रहे हैं हम सारे स्कूल में। प्रिंसिपल ब्लॉगिंग कर रहे हो। प्रिंसिपल पसंद नहीं है ना इसलिए हम सारे। मैम आज ना हम एक स्टूडेंट भी नहीं पसंद। मैम आज हमारा आया है 13 प्रो मैक्स 1 टीबी गोल्ड गोल्ड गोल्ड। इसलिए क्या कर रहे हो शांक? मैं ये गुब्बारे चिपका रहा था पर फूट गया। फूट गया तुम्हारे चैनल पे नहीं है इल्यूमिनाटी वाला क्योंकि वो स्ट्राइक मार देता। अच्छा चलो हटा दो। बहुत बड़ी पावर है। बताओ ना क्या बताऊँ कौन है इल्यूमिनाटी? इल्यूमिनाटी पता नहीं कैरीमिनाटी का भाई किसको स्टॉक कर रही है मैडम? अपने बॉयफ्रेंड को? नहीं नहीं। कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? रैंडम आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल। झूठी महिला। अच्छे अच्छे रिश्ते भेजे। अच्छे मैं सुंदर तो मैं तो पढ़ाई लिखाई में अच्छे सुंदर सुशील हैंडसम गोरे लंबे मोमो स्टाइल बॉडी वाले लड़कों का रिश्ता करने वाली महिला गोरे साइलेंस का मतलब होता है शांत हो जाओ। यार वो देखो उधर से क्या चल रहा है गाइस। अभी रचित यहां से देखो चिल्ला के गया है। तो गाइस ये रचित का शूट चल रहा है। एक्शन। ओके एक्शन। कूदने वाला है ये। गाइस एक बार मैं वहां जा रही हूँ गाड़ी के पास जहाँ पे गाड़ी हमने पार्क कर रखी है क्योंकि गाड़ी में जो है वो है नेल पेंट रिमूवर। मैंने उससे मंगवाया था विनय से, भूल गई थी घर से रिमूव करना क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। तो अभी मैं फ्री हूँ, अभी मेरा सीन नहीं है तो मैं ये नेल पेंट रिमूव कर लेती हूँ क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म में ये नेल पेंट सही नहीं लगती। जो मेरा टीवी सीरियल वर्सेस रियलिटी मैंने शूट किया था उसमें मैंने ये नेल पेंट लगाई थी, तब से देखना कितनी अच्छी लगी हुई है। तभी मैं रिमूव करूंगी इसे। भाई दूर कर लो, इसे दूर कर लो यार, मारो मत इसे। तो गाइस यहाँ भी मुझे एक डॉग मिल गया, इसका नाम क्या है? डेविड। डेविड चलो वैसे ये बच्चा मुझे जानता है, देखिए मेरे वीडियोस। हाँ मैंने कौन देखी है? क्या मैंने भी रचित के साथ? रचित के साथ देखी है। हाँ। अच्छा कैसी लगती है हमारी वीडियो? बढ़िया लगती है, एक नंबर। यस। और ये डंडा लेके आ रही, इसको मारना मत बिल्कुल भी। अरे नहीं वो कुत्ते मिल जाते हैं ना रास्ते में। अच्छा उनके लिए रखा है? हाँ। चलो ठीक है, चलो बाय। क्या? ओह सॉरी भाई, मैंने इन बच्चों को की पकड़ाई थी डॉग्स के साथ खेलने के लिए, मैं भूल गया। लेकिन देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, मेरी की बुला के वापस दे रहे हैं मुझे। दीदी आपके रचित भैया के पास एक डॉग है ना? हाँ। उसका नाम इंस्टा है ना? हाँ। हमने देख रखी है। जानते हो इंस्टा को? हाँ। अरे ये तो भाई, ये तो मेरे से दोस्ती कर रहा है। ये फैंसी है। हाँ? ये सब किसी से फैन कर लेता है। है भाई? जैसे इंसान है ना डॉग से, तो ये भिड़ जाता है। डॉग से भिड़ जाता है? हाँ। ये बहुत सुन। चलो डेविड बाय, टेक केयर। आपके साथ जा रहा है। मेरे साथ जा रहा है। रचित भैया भी आया है ना? हाँ। पसंद आ गई मैं डेविड को? बाय बाय। ये मैंने विनय से मंगा लिया था, ये थोड़ा इंस्टा ने खा लिया है, ऐसे ही है लोकल सा, थिनर है ये, इससे मैं अपनी नेल पेंट रिमूव कर सकती हूँ। मतलब ये मैं ये तो नहीं कहूँगी ये बेस्ट है, लेकिन भाई वो क्या कोई कहावत है ना,
भागते भूत को लंगोटी सही, मतलब उस टाइप से कोई कहा होता है? भागते भूत की लंगोटी भली। हाँ, हाँ। भागते भूत की लंगोटी भली, ठीक है। हाँ, जो भावरे का मर्डर कर दिया इसने। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना। मतलब तो बताओ इसका अर्थ। अर्थ इसका तात्पर्य यह है कि तात्पर्य मैं हिंदी शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि भूल गई, बता रही हूँ मैं कि इसको खुद ही नहीं पता तात्पर्य है क्या। नहीं मैं बता रही हूँ ना। हाँ, कुछ ना होने से अच्छा कि कुछ तो हो, ये होता है, ठीक है, समझ गए। तो अभी मैं एक्सेप्टेबल। हाँ तो यार वो ना उसको वो कॉटन मिला नहीं जिससे मैं ये रिमूव करूंगी, तो मैंने उसे टिश्यू मंगा लिए थे, लेकिन मैंने टिश्यू पे ये ड्रॉप डाला। जानबूझ के आ रही है पीछे। हाँ, नहीं नहीं मैं तो अपनी फोटो ले गई हूं। जानबूझ के पीछे तो ना मैंने इस पे टिश्यू पे ड्रॉप डाला, तो ये इसने ना सोख लिया। इससे कुछ काम हुआ नहीं। तो यहाँ पे ना मेरे छोटे छोटे दो तीन फैंस मिल गए थे, तो मैंने उनको पटा लिया, उनसे बोला कि यार वो अपने घर से कॉटन ले आओ, थोड़ी सी मेरे को नेल पेंट रिमूव करनी है। वो बच्चे तीनों आपस में कहने लगे, नहीं हम मैं लाऊंगा नहीं। तो मैंने अच्छा, वो जो जा रहे हैं तो वो जो भाग भाग के जा रहे हैं, भाग गए उधर, मामा को नहीं भाग गया। वो जो डॉगी के साथ खेल रहे थे, मैंने कहा जाओ भाई ये ले आया, ये भाई ये बच्चा ही कॉटन ले आया मेरे लिए। देखो भाई ये इतनी कॉटन लेके दे के गया है वो मुझे, तो आई थिंक इतने में तो नेल पेंट वगैरह रिमूव हो जाना चाहिए। जो मंदिर में लगाते हैं, हाँ मंदिर में जो लगाते हैं ये वही है, पर ठीक है यार जोत लगाते वो है, पर ठीक है साफ। आज मैडम जी सब करेक्ट करेंगी। मैडम जी चाहे खुद कैसे में ना, कैरेक्टर में कुछ भी बोलती हूँ खुद। तो गाइज हम ना थोड़ा स्लो बोलेंगे क्योंकि उधर रचित का शूट चल रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, तो इसलिए हम थोड़ा धीरे बोलेंगे। तो अभी पता है स्वाति ने एक इंसिडेंट बताया अभी क्या हुआ। वो उधर जो गेट के पास बच्चा खड़ा है, मैं दिखाती हूँ, हटियो सामने से हटियो, ये आपको दिख रहा होगा, जूम नहीं होता क्या? तो गाइस उसको पता चल गया मैं उसकी कुछ वीडियो बना रही हूँ, तुरंत भाग गया, भाग गया वहाँ से। क्या हुआ था अभी? वो आया और मेरे को बोलता कि रचित को पॉइंट करके बोलता ये कौन है, टीचर है क्या? मैंने कहा नहीं। फिर कहता कौन है? मैंने कहा मॉनिटर है। फिर विनय को दिखा के मैंने बोला ये प्रिंसिपल है। फिर मेरे को बोलता ये वाली जो मैम है उन्होंने यहाँ क्या लगा ये मैडम मैम ने देखो गाइस यहाँ क्या लगा हमारी मैम ने देखो ये क्या लगा ये सारे आगे ना इस सीन में क्या है मैम वो बच्चे का कोई बैली बटन मैम आप पढ़ाने आती हो यहाँ पे बैली दिखाने आती हूँ लड़के ऐसे ऐसे यहाँ क्या ही नहीं आया ये नहीं आया पक्का तो इसी का डायलॉग आएगा प्रिंसिपल आ गया ये चिल्लाएगा ये हाँ किसने बोला ये ना वो छोटा वो झूल रही होगी ये दोनों भी तो हैं हां ये लड़की नहीं ये तो हां तो एक झूल रही और एक झूला भी होगी क्या तहीयत करिए क्या करिए मैं समझ गई क्या थोड़ा सा डर नहीं उसके हाथ में कैमरा है उसके बाद डायलॉग बोल फिर से पटवाना चाहता एक बार कर दो एक बार बिना के मजा आएगा उंगली भी नहीं चल रही ढंग से ये वाली सही चल रही है ये वाली जख्मी उंगली गाइस तो अभी देखो शूट चल रहा है इनका
देखो एक दो दो लड़कियों के साथ एक लड़का लगा हुआ है देखो आशिकी करने में। ये देखो इसकी इसकी आशिकी चल रही है यहाँ पे। एक एक को झूला झूला रहा है, एक के बालों से खेल रहा है। और ये देखो ये सिंगल बंदे बेचारे। ये देखो ये इधर देखो ये आशिक बैठे हुए कपल। क्या कर रहे हो? ये बोर हो रहा था, मैंने सोचा बता दूं। मैं तो नहीं हूँ बोर, ये आके इसने बोर कर दिया मेरे को। जा तू लायक के अकेले बैठ। अरे मजाक कर रहे हैं ये हमारे एमएलए सर। मैं कह रही थी आप आ रहे हो तो लड़के तो बारा कर दो, उनको छोड़ो। लड़के के लिए स्पेशली कुछ मोमोज पिज्जा वगैरह कुछ तो ऐसा मिलता है ना। अगर एमएलए आता है ना तो एमएलए तैयारी नहीं करता स्कूल में, स्कूल वाले तैयारी करते हैं। प्रिंसिपल वगैरह तो आप जाइए प्रिंसिपल को बोलो। प्रिंसिपल पर नालायक है, मैं इसलिए तो कह रही हूँ लड़कियों के लिए करो ना। हर की बार एमएलए एमएलए तुम्हारे लिए नहीं बैठा है। गाइस मैं घर आ गई हूँ क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और शूट में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं अकेले कैब करके घर आ गई क्योंकि घर पे इंस्टा अकेला था और रचित और बाकी की सारी टीम वहाँ पे शूट कर रही है। अभी भी हो सकता है उनको सुबह के 4-5 बज जाए। तो मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी और इंस्टा भी अकेला था इसलिए मैं आ गई। और मैंने आने के बाद यहाँ जो देखा मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि इंस्टा ने क्या किया है। तो आप ये देखो ये मेरे को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा है, अभी भी पैरों में ही पड़ा हुआ है। ये देखो ये इसके काम है। ये देखो ये बॉल की तो ऐसी तैसी कर दी इसने। ये देखो क्या कर रखा है सब कुछ। यहाँ पे देखो ये देखो ये भी ये सब इंस्टा के काम है। और देखो कितना शरीफ बन के बैठ गया जबकि हम यहाँ का सारा सामान हटा के गए थे। आपने देखा होगा यहाँ पे हमने काफ़ी डेकोरेशन के सामान रखे हुए थे। और आने के बाद यहाँ पे ये सब देखो ये इंस्टा के काम है। ये अभी भी कुछ ना कुछ कर ही जा रहा है। क्या भाई मेरे घर आने के बाद इंस्टा इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मैंने आने का और आने के बाद मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने पहले इसको थोड़ा सा प्यार किया ताकि थोड़ा सा एक्साइटेड कम हो जाए इसकी एक्साइटमेंट। उसके बाद अभी मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई हूँ जबकि मेरा शूट नहीं था। ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं की, मेरी तबीयत ख़राब थी और वहाँ पे सारा दिन थे तो बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। तो अभी का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और फटाफट मैं कुछ ज़्यादा खास एडिटिंग करूँगी नहीं, बस मॉर्निंग 9 बजे मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाकी आपको जो आधी अधूरी अपडेट है इस शूट की रचित की आपको रचित के ब्लॉग में देखने को मिल जाएगी। तो अभी मैं चलती हूँ सोने। बस ये ड्रेस नीचे की स्कर्ट तो मैंने चेंज कर ली है, ये देखो बस ऊपर की ये चेंज करके मैं जा रही हूँ सोने। बाकी मैंने गेट में लॉक नहीं लगाया है, ऐसे ही छोड़ दिया है। वो लोग आए तो लॉक ना मतलब नॉक ना करें या बेल ना बजाएं, मुझे उठना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको गेट खुला ही छोड़ के सो रही हूँ। चलो इंस्टा सो जाते हैं। बाय गाइस, लाइक कमेंट कर देना, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। और अब डेली ही व्लॉग आते रहेंगे ऐसे ही। चलो बाय बाय, लव यू।